जिस टॉपिक के ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं वो है न्यूक्लिक एसिड। तो चलिए न्यूक्लिक एसिड के बारे में चर्चा कर लेते हैं, क्या है न्यूक्लिक एसिड और कैसे। तो आप लोगों में से कितने लोगों को बेसिक आइडिया है कि व्हाट इज न्यूक्लिक एसिड? कभी पढ़ा है न्यूक्लिक एसिड के बारे में? किसी ने न्यूक्लिक एसिड के बारे में सुना है कि न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? पढ़ा है, पहली बार सुना है। तो कुछ लोगों ने पढ़ा है, कुछ लोग, कितने लोग पहली बार सुन रहे हैं न्यूक्लिक एसिड के बारे में? मैंने बायोमोलिक्यूल का चर्चा किया था, अगर आपको शुरुआत में याद हो तो बायोमोलिक्यूल्स में मैंने कुछ मैक्रोमोलिक्यूल्स की बात करी थी, जिसमें जो है प्रोटीन को डिस्कस किया था। और प्रोटीन के बारे में हमने काफी कुछ डिस्कस किया है, ठीक है, कि अमीनो एसिड से लेके प्रोटीन बनता कैसे है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर क्या है, फोल्डिंग क्या है, ये सारी चीजें जो है हमने पढ़ी। इसके बाद सवाल आता है कि एक और बायोमोलिक्यूल जिसको बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड, और ये एक ऐसा बायोमोलिक्यूल है जिसके पास बहुत सारा इंफॉर्मेशन होता है। ये ऐसा बायोमोलिक्यूल है जो पूरे सेल को रेगुलेट करता है, इंफॉर्मेटिव बायोमोलिक्यूल इसको समझा जाता है, बॉस ऑफ द सेल। सेल का पूरा इंफॉर्मेशन जिस बायोमोलिक्यूल के पास होता है वो यही है न्यूक्लिक एसिड। अब वो सेल चाहे लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो या नॉन लिविंग जैसे वायरस में भी हो, न्यूक्लिक एसिड ज्यादातर जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करते हैं। दे बिहेव लाइक अ जेनेटिक मटीरियल। अब ये जो जेनेटिक मटीरियल की तरह काम कर रहे हैं, तो इनके पास ऐसी क्या चीज है जो इंफॉर्मेशन को कैरी कर सकती है, या ऐसा क्या है जो कि इतने तरीके के जो है वैरायटी ऑफ फंक्शंस के लिए जाना जाता है? तो उन्हीं के बारे में स्टडी करेंगे हम न्यूक्लिक एसिड्स, जो कि एक तरीके का बायोमोलिक्यूल है, और उस बायोमोलिक्यूल में भी मैक्रोमोलिक्यूल है। न्यूक्लिक एसिड एक पॉलीमर है, जैसे प्रोटीन एक पॉलीमर था, पॉली का मतलब मेनी, मर का मतलब यूनिट, मतलब कोई ऐसा पॉलीमर जो कि मल्टीपल यूनिट से बना हो, तो आप उसको पॉलीमर कंसीडर करते हैं। चलिए समझने की कोशिश करते हैं न्यूक्लिक एसिड। ये कुछ साइंटिस्ट को अगर आप पहचान रहे हो तो बताओ कि ये कौन है, जानते हो उनको? दिस वन, ये तो समझ में आ रहा होगा कि डीएनए है, प्रेसिपिटेटेड फॉर्म में है, आइसोलेट किया गया। डीएनए मतलब जो है एक तरीके का न्यूक्लिक एसिड ही है। तो इसको सबसे पहले जो है आइडेंटिफाई करने वाले साइंटिस्ट थे फ्रेडरिक मिशर, और जिन्होंने फर्स्ट सेल के न्यूक्लियस या न्यूक्लियाई को जो है सबसे पहले जो है आइसोलेट किया, और वो यही है। दूसरे साइंटिस्ट थे जिन्होंने न्यूक्लिक एसिड का टर्म दिया। जब इन्होंने फ्रेडरिक मिशर ने आइसोलेट किया था, तो उस फर्स्ट सेल में जो कंपोनेंट था जेनेटिक मटीरियल का, उन्होंने न्यूक्लीन टर्म दिया था, न्यूक्लिक एसिड नहीं दिया था, न्यूक्लीन टर्म यूज। लेकिन न्यूक्लिक एसिड का टर्म देने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे अल्टमैन। तो अल्टमैन ने जो है वो टाइटल दिया। चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि न्यूक्लिक एसिड, फ्रेडरिक मिशर डिस्कवर्ड द न्यूक्लिक एसिड, इन्होंने डिस्कवर किया न्यूक्लिक एसिड, लेकिन टर्म नहीं दिया था, आइडेंटिफाई किया, डिस्कवर किया फ्रेडरिक मिशर। इसके बाद आइसोलेट किया था न्यूक्लियाई, या जिस सेल के न्यूक्लियस को उन्होंने आइसोलेट किया था वो था पस सेल, और पस ज्यादातर जो है व्हाइट ब्लड सेल्स एंड इम्यून सेल्स का जो है कॉम्प्लेक्स बन जाता है, कहीं पे भी अगर सेलुलर डैमेज होता है हमारी बॉडी में तो उस जगह पे, उससे उन्होंने जो है क्या होता है आइसोलेट किया था न्यूक्लियस। एंड इनिशियली इसी को न्यूक्लीन टर्म यूज किया था, क्योंकि उन्होंने न्यूक्लियस से आइसोलेट किया था, तो उन्होंने उस मटीरियल को, उस बायोमोलिक्यूल को न्यूक्लीन बोला था। लेकिन बाद में एक साइंटिस्ट आया जिनका नाम था रिचर्ड अल्टमैन, जिन्होंने न्यूक्लीन जो कि एक्चुअली में प्रोटीन से जुड़ा हुआ मटेरियल था, तो इसलिए स्पेसिफिक टर्म वहां पे मेंशन नहीं किया जा सकता था, लेकिन उन्होंने फिर ये आइडेंटिफाई किया कि सिर्फ प्रोटीन नहीं है वहां पे, प्रोटीन फ्री मटेरियल भी है, और वो प्रोटीन फ्री मटेरियल जो है वो डीएनए या आरएनए के तौर पे कंसीडर किया, और इसी को इन्होंने कंबाइंडली जो नाम दिया वो है न्यूक्लिक एसिड। और न्यूक्लिक एसिड हमारे सेल में, चाहे हम हो चाहे कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म हो, सेल में न्यूक्लिक एसिड जो है दो फॉर्म में पाया जाता है, आरएनए या डीएनए। आरएनए का मतलब होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, एंड डीएनए का मतलब होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये जो है किसने दिया था? ये अल्टमैन ने दिया है न्यूक्लिक एसिड, और न्यूक्लीन किसने दिया था? फ्रेडरिक मिशर। अब इनका काम क्या है, धीरे धीरे आपको थोड़े थोड़े समझ में आएगा कि जो ये न्यूक्लिक एसिड्स हम पढ़ रहे हैं
इनका बेसिक जो काम होता है वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करना, लेकिन न्यूक्लिक एसिड जो बने होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं। सो याद रहे कि जितने भी न्यूक्लिक एसिड्स हैं दे आर द न्यूक्लियोटाइड पॉलीमर्स, ये न्यूक्लियोटाइड के जो है वो पॉलीमर्स हैं। पॉलीमर्स को ही आप, या मल्टीपल अगर न्यूक्लियोटाइड हैं तो उसी को आप पॉली न्यूक्लियोटाइड बोल सकते हैं, और पॉली न्यूक्लियोटाइड ही न्यूक्लिक एसिड कहलाते हैं। तो अगर एक न्यूक्लियोटाइड में ऐसे समझो जैसे अमीनो एसिड में आप पॉली अमीनो एसिड को पेप्टाइड बोलते थे और पॉली पेप्टाइड को प्रोटीन बोलते थे, एग्जैक्टली वही कहानी है कि वहां पे पेप्टाइड से पॉली पेप्टाइड बनता था और पॉली पेप्टाइड से प्रोटीन, एग्जैक्टली यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड, एक एक न्यूक्लियोटाइड जुड़ के एक दूसरे से क्या बनाएगा, पॉली न्यूक्लियोटाइड। और ये पॉली न्यूक्लियोटाइड जो है वो फिर कंबाइंड होके, पॉली न्यूक्लियोटाइड कंबाइंड होके क्या बनाएगा, न्यूक्लिक एसिड। और ये न्यूक्लिक एसिड जो है वो डीएनए आरएनए के फॉर्म में होता है। डीएनए और आरएनए का अगर फुल नेम आप देखोगे तो डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। डीएनए न्यूक्लिक एसिड है, इसी में डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड हो जाए तो वो डीएनए हो जाएगा, और अगर न्यूक्लिक एसिड से आपने राइबो न्यूक्लिक एसिड कर दिया आरएनए तो राइबो न्यूक्लिक एसिड होगा। तो ये जो कहानी है न्यूक्लिक एसिड की वो डीएनए और आरएनए के बेसिस पे। सवाल आता है कि ये जो न्यूक्लियोटाइड्स है यही मिलके न्यूक्लिक एसिड बना है, तो न्यूक्लियोटाइड क्या है? तो न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं वो तीन कंपोनेंट से मिलके बने होते हैं। न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट ऑफ द थ्री कंपोनेंट्स, ये तीन कंपोनेंट से मिलके बना होता है, और वो तीन कंपोनेंट्स होते हैं, एक पहला नाइट्रोजिनस बेस, दूसरा होता है 5-carbon sugar और तीसरा होता है फॉस्फोरिक एसिड। आई रिपीट, द फर्स्ट कॉम्पोनेंट इज योर नाइट्रोजनस बेस, सेकेंड इज 5-carbon sugar एंड द थर्ड वन इज फॉस्फोरिक एसिड। ये तीनों के तीनों मिल के जो है वो न्यूक्लियोटाइड को एक स्ट्रक्चर में बनाते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो स्ट्रक्चर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, दिस इज द वन सिंगल न्यूक्लियोटाइड। ऐसे ही कई सारे न्यूक्लियोटाइड, ये जो आप एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड को देख रहे हैं वो एक्चुअली में ऐसा है। ऐसे ही मेनी न्यूक्लियोटाइड जुड़ के पॉली न्यूक्लियोटाइड बन रहे हैं, और मेनी पॉली न्यूक्लियोटाइड जुड़ के जो है वो न्यूक्लिक एसिड बना रहे हैं। सवाल आता है कि न्यूक्लियोटाइड में वो तीन बेसिक स्ट्रक्चर में सबसे पहला होता है नाइट्रोजिनस बेस, दूसरा होता है सुगर, और तीसरा होता है फॉस्फेट ग्रुप, जिसको हम सिंपल शब्दों में NSP बोलते हैं, जिसको N का मतलब नाइट्रोजिनस बेस, S का मतलब सुगर और P का मतलब फॉस्फेट। अब इसमें नाइट्रोजिनस बेसिस जो होते हैं उनका क्या रोल है न्यूक्लियोटाइड में, वो क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, धीरे धीरे इन फंक्शंस को आप देखते हुए चले जाएंगे, लेकिन मैंने लिस्ट आउट किया है क्योंकि गेट एग्जामिनेशन के पॉइंट से ये स्लाइड जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन सीधे पूछा जाता है कि जो न्यूक्लियोटाइड के थ्री कंपोनेंट है उनमें से कौन जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सुगर है, फॉस्फेट है या नाइट्रोजिनस बेस है। तो नाइट्रोजिनस बेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इन द न्यूक्लिक एसिड। अगर आपने कभी बेसिक बायोकेमिस्ट्री कभी बचपन में पढ़ी हो तो उसमें आपको पता है कि डीएनए एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, और इस डबल हेलिकल के बीच में जो है हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में। तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है, नाइट्रोजनस बेस। इसके अलावा एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट इंट्रैक्शन जिसको अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन जो ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो है स्टैकिंग इंट्रैक्शन या हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन। वो भी कौन बनाता है, वो भी यही नाइट्रोजनस बेस बनाता है। कैसे बनाते हैं इस पे चर्चा। जो तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है वो है एब्जॉर्बेंस। ये तीनों फंक्शन परफॉर्म करता है नाइट्रोजनस बेस, हाइड्रोजन बॉन्ड, स्टैकिंग इंट्रैक्शंस एज वेल एज द एब्जॉर्बेंस। एब्जॉर्बेंस क्यों करता, क्योंकि मैंने अभी अमीनो एसिड में भी चर्चा किया था कि जितने भी ऐसे स्ट्रक्चर हैं जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन का रीलोकलाइजेशन है तो वो एब्जॉर्बेंस वो कर सकते हैं। और वो नाइट्रोजनस बेस को स्ट्रक्चर को देखोगे तो इसमें भी आपको पाई इलेक्ट्रॉन का रीलोकलाइजेशन देखने को मिलेगा, एंड दैट्स व्हाई दीज स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस ये जो है एब्जॉर्बेंस ऑफ लाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल। तो थ्री मेजर फंक्शन जो नाइट्रोजनस बेस परफॉर्म करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, स्टैकिंग इंट्रैक्शन एंड द एब्जॉर्बेंस। सुगर की बात की जाए तो जो सेकेंड कॉम्पोनेंट है वो न्यूक्लियोटाइड का वो है सुगर, एंड सुगर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टू फंक्शन, वन इज कायरलिटी एंड सेकेंड वन इज पकरिंग। कायरलिटी एक ऐसा टर्म है जो मैंने अमीनो एसिड में फिर मेंशन किया था,
कि अगर एक कार्बन से चार बॉन्ड जुड़े हो और चारों के चारों डिफरेंट ग्रुप्स हो तो वो कार्बन जो है वो काइरल कार्बन कहलाता है। और काइरल कार्बन के पास एक प्रॉपर्टी होती है कि वो प्लेन पोलराइज लाइट को जो है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर सकते। और काइरल कार्बन जो होते हैं वो 3D या इनका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से इनका जो स्पेस में ओरिएंटेशन होता है वो 3-dimensional होता है, टेट्राहेड्रल होता है। एंड दैट्स व्हाई दिस सुगर जिसके पास काइरेलिटी है पहली बात तो साथ में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो ये एक पकरिंग यानी 3D स्ट्रक्चर के लिए जाना जाता है। तो जो आप इस हेलिकल में 3-dimensional स्ट्रक्चर देखते हैं डीएनए का कि वो ऐसे 3-dimensional स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है वो बिकॉज ऑफ द सुगर प्रेजेंट होता है। क्योंकि सुगर के पास ऐसे कार्बन है जो कि काइरेलिटी शो करते हैं या sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं। इनके ऊपर हम चर्चा करेंगे कि कैसे है। इसके बाद जो तीसरा कंपोनेंट है न्यूक्लियोटाइड में वो है फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फेट आयन। फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फेट ग्रुप्स जो होते हैं वो आपको प्रेजेंट होते हैं जिनके पास का जो स्ट्रक्चर है वो H3PO4- या PO4- भी आप शो कर सकते। अब सवाल आता है कि इसमें जो है वो है आपका माइनस आयन। तो जब भी आप फॉस्फोरिक एसिड की चर्चा करते हैं तो पहली बात तो सुगर और फॉस्फेट मिलके एक बैकबोन बनाते हैं। तो फॉस्फेट के बिना बैकबोन का बनना पॉसिबल नहीं है। जो आप इस तरीके से बैकबोन देखते हैं पूरा का पूरा एक बैकबोन बनता है हेलिकल में, तो वो बैकबोन जो है वो बनाने के लिए फॉस्फोरिक एसिड की जरूरत पड़ेगी। और दूसरा ये इनके पास नेगेटिव चार्जेस होते हैं तो वो उनको कंट्रीब्यूट करते हैं, तो नेगेटिव चार्जेस को कंट्रीब्यूट करने के लिए भी जो फॉस्फोरिक एसिड की जरूरत पड़ेगी। सो मैंने क्या बताया कि जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं वो एक्चुअली में बने होते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड से, और जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं वो बने होते हैं न्यूक्लियोटाइड से, और जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो बने होते हैं 3 कंपोनेंट से, नाइट्रोजनस बेस, 5 कार्बन सुगर एंड फॉस्फोरिक एसिड। नाइट्रोजनस बेस के 3 फंक्शन है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना, स्टैकिंग इंट्रैक्शन शो करना एंड एब्जॉर्बेंस शो करना। एंड 5 कार्बन सुगर के 2 फंक्शन है, कायरेलिटी और पकरिंग या 3D स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना। एंड फॉस्फोरिक एसिड का जो बेसिक रोल है वो बैकबोन के बनाने के लिए है और नेगेटिव चार्जेस को कंट्रीब्यूट करने के लिए। धीरे धीरे ये आपको समझ में आता चला जाएगा कैसे चीजें हो रही। सो यहां तक बात आपको समझ में आ रही कि क्या है न्यूक्लिक एसिड और न्यूक्लियोटाइड के बेसिक कॉम्पोनेंट्स क्या है। यस और नो? यस सर। So let's discuss one by one in detail what is nitrogenous bases, what are the sugars and what are the phosphoric acids. ये जो function मैंने list out किए हैं ये कैसे और explanatory form में समझा जा सकता है एक एक करके समझने की कोशिश करें। तो first let's discuss nitrogenous bases. Nitrogenous bases in the nucleotide or polynucleotide or nucleic acid. Nucleic acid या polynucleotide या nucleotide में जो nitrogenous bases हम देखते हैं वो एक्चुअली में 2 तरीके के होते हैं नेचर में। एक जो है पिरिमिडीन रिंग बोला जाता है या पिरिमिडीन नाइट्रोजनस बेस बोला जाता है, और दूसरे को मेंशन किया जाता है प्यूरीन। पिरिमिडीन और प्यूरीन 2 नाइट्रोजनस बेसेस आपको अवेलेबल है। अब अगर इन दोनों नाइट्रोजनस बेसेस को ध्यान से देखें तो इसमें प्यूरीन जो है वो 2 साइक्लिक जिसमें 2 साइक्लिक रिंग जो है वो हाइब्रिड फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। जबकि जो आपका पिरिमिडीन है वो एक मोनोसाइक्लिक, मोनो मतलब सिर्फ सिंगल साइकिल है। लेकिन सवाल जब इसमें आता है तो चाहे मोनोसाइक्लिक हो चाहे 2 या डाइसाइक्लिक हो, जब आप पिरिमिडीन की भी चर्चा करते हैं तो पिरिमिडीन में अगर आप देखें तो बेंजीन जैसा नजर आ रहा होगा, लेकिन बेंजीन के स्ट्रक्चर में जो है 6 के 6 कार्बन होते हैं। यहाँ पे 6 के 6 कार्बन नहीं, अगर आप पूरी स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो देयर इज 2 नाइट्रोजन एंड 4 कार्बन मिलके 6 मेंबर का जो है वो एक रिंग बना रहा है। तो इसीलिए ये मोनोसाइक्लिक है, एक रिंग तो है लेकिन ये मोनोसाइक्लिक के साथ हम इसको बोलते हैं हेटरोसाइक्लिक। हेटरोसाइक्लिक का मतलब ये है कि इसमें जितने भी एटम इन्वॉल्व है वो सेम नहीं है। इसमें हेटरो का मतलब डिफरेंट है कि 4 कार्बन है और 2 नाइट्रोजन है, एंड दैट्स व्हाई दिस साइकिल शुड बी कंसीडर्ड एज हेटरोसाइक्लिक। अब इस हेटरोसाइक्लिक में पोजीशन जो है वो रैंडम नहीं हो सकता, ये स्ट्रक्चर जो है यूनिवर्सल है और हमेशा ऐसा ही होगा।
ठीक है, कि मतलब नाइट्रोजन, फिर उसके बाद कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन, 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 NCNCCC, और यही इसका नॉमेनक्लेचर भी है। अगर इसको ड्रॉ करेंगे तो नीचे की तरफ नाइट्रोजन और थर्ड नंबर पे नाइट्रोजन, और ये एंटी क्लॉकवाइज मैनर में चीजें चल रही है। NCN CCC है, और नंबरिंग कैसे करेंगे इस, क्योंकि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कार्बन से ज्यादा है, इसीलिए आप पहले इस नाइट्रोजन को प्राइमरी शो करेंगे या पहला नंबर देंगे, और इसके बाद इस नाइट्रोजन को थर्ड नंबर देंगे, क्योंकि इधर से जाएंगे तो ये नाइट्रोजन का नंबरिंग जो है वो दूर पड़ेगा, ठीक है, पांचवा नंबर पड़ेगा, जो कि बायोलॉजिकल या केमिकल नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग जो है वो गड़बड़ है। इसलिए 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, NCN CCC इज द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ पिरिमिडिन, और ये हमेशा ऐसा ही रहेगा। मोनोसाइक्लिक मतलब एक रिंग है, और इसके बाद हेट्रोसाइक्लिक है मतलब जितने भी एटम है वो सेम नहीं है, चार कार्बन और दो नाइट्रोजन से बने। व्हेन यू कंसीडर द प्यूरीन, ये मोनो नहीं, ये टू साइकिल का फॉर्म है, मतलब दो रिंग है स्ट्रक्चर है यहाँ पे, ठीक है, दो रिंग। अब ये डाई रिंग स्ट्रक्चर जिसमें दो रिंग है, एक आप देखेंगे तो एक छह एटम का बना हुआ है और एक पांच एटम का, यहाँ पे जितने एटम थे वो सिक्स एटम थे ओनली, लेकिन यहाँ पे जो है एक छह और एक पांच, लेकिन अलग अलग नहीं है, उसमें दो एटम हाइब्रिड है, इसीलिए टोटल आप देखोगे तो 6+5 में से ये तो टोटल 11 एटम होने चाहिए थे, लेकिन दो एटम हाइब्रिड है, ये वाले दो दो एटम है, वही पांचवे में भी इंक्लूड है, पांच वाले साइकिल में भी, वही छह वाले में भी, इसीलिए -2 करोगे तो टोटल एटम आएगा 9। तो प्यूरीन का जो रिंग है, जो हेट्रो या कह सकते हैं डाई साइक्लिक रिंग है, दो साइकिल में टोटल 9 एटम्स है, और ये भी हेट्रो साइक्लिक, अगर आप ध्यान देंगे तो दोनों साइकिल में दो दो नाइट्रोजन है, मतलब छह वाले में भी दो नाइट्रोजन होंगे, पांच वाले में भी दो नाइट्रोजन होंगे। देखिए यहाँ पे छह वाले में वही सेम, अगर आप पिरिमिडीन को देखेंगे तो पिरिमिडीन का एग्जैक्टली आर्किटेक्चर प्यूरीन वाला छह वाला है, सेम स्ट्रक्चर। एंड उसके बाद उसी जो आपके ये दो कार्बन थे यहाँ पे, इन दोनों के साथ एक रिंग बन रहा है, लाइक दो नाइट्रोजन और बीच में उनके कार्बन। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्यूरीन रिंग, दो रिंग का बना है, लेकिन नॉमेनक्लेचर में यहाँ डिफरेंस है। आई रिपीट, पिरिमिडीन में जो नॉमेनक्लेचर है वो नीचे के नाइट्रोजन से शुरू होकर ऐसे चल रहा है, लेकिन इन द केस ऑफ प्यूरीन नॉमेनक्लेचर इस नाइट्रोजन से शुरू नहीं होता। नाइट्रोजन, जिस नाइट्रोजन से पिरिमिडीन में जो नॉमेनक्लेचर शुरू होता है वो ये वाला नाइट्रोजन है, यहाँ से शुरू होगा और यहाँ से 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6 ये ऐसे चल रहे हैं, जबकि यहाँ पे जो ये था ये कुछ ऐसे चल रहा था क्लॉक वाइज मैनर में, ठीक, ये क्लॉक वाइज मैनर में जा रहा था, और ये जो है वो एंटी क्लॉक वाइज मैनर में नॉमेनक्लेचर शुरू हो रहा है, लाइक दिस। तो नॉमेनक्लेचर ध्यान रहे और स्ट्रक्चर ध्यान रहे, जिसको अगर प्यूरीन और पिरिमिडीन का आर्किटेक्चर ध्यान हो जाएगा, लगभग उसके लिए किसी भी बेस को याद रखना, उसके स्ट्रक्चर को याद रखना, या जो है कितने भी तरीके के जो इस पे क्वेश्चन आते हैं वो आसानी से सॉल्व हो जाए। तो एक बार फिर समझा दो, पिरिमिडीन में छह एटम, चार कार्बन, दो नाइट्रोजन, NCNCCC क्लॉकवाइज मैनर में, यहाँ पे जो पिरिमिडीन का रिंग है वो एग्जैक्टली एक रिंग रहेगा, लेकिन उसके जो दो कार्बन यहाँ पे हैं, इन दो कार्बन से एक पांच कार्बन का रिंग और निकलता है, दो नाइट्रोजन और एक कार्बन के साथ। नंबरिंग कैसे होती, पहले बड़े साइकिल की 1, 2, 3, 4, 5, 6, उसके बाद छोटे साइकिल की 7, 8, 9, क्योंकि 4 और 5 वाला जो कार्बन है वो छठवें वाले रिंग में भी कॉमन है और पांच वाले रिंग में भी कॉमन है। तो ये है प्यूरीन और पिरिमिडीन, जो कि दो नाइट्रोजन स्पीशीज का है। तो इनका जो नेचर मैंने शुरू किया था, दे आर हेट्रोसाइक्लिक, ऐसे क्वेश्चन, ऐसे कीवर्ड्स जो है एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। इनका जो नेचर आप शो करेंगे, प्लेनर और एरोमेटिक शो करेंगे, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन है तो इनका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो होता है sp2। पाई इलेक्ट्रॉन है भाई, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, कार्बन के पास डबल बॉन्ड है, चारों सिंगल बॉन्ड है तो sp3, एक डबल बॉन्ड तो sp2, ट्रिपल बॉन्ड तो sp, तो ये प्लेनर हो जाएगा। और एरोमेटिक दिख रहा है, देखो पाई इलेक्ट्रॉन पूरा रेजोनेंस में दिख रहा है, तो दैट्स वाई आप इसको बोलोगे कि यहाँ पे एरोमेटिक है, तो ये एरोमेटिक स्ट्रक्चर जैसा नहीं। रिलेटिवली वॉटर इनसॉल्युबल होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है ये स्ट्रक्चर पिरिमिडीन हो या प्यूरीन हो, ये एक्चुअली में इनका जो नेचर आप शो करते हैं वो नॉन पोलर शो करते हैं। कैसा नेचर शो करते हैं? नॉन पोलर। ये ज्यादातर हाइड्रोफोबिक होते हैं, और हाइड्रोफोबिक का मतलब है नॉन
पोलर है, और नॉन पोलर होने का मतलब है कि पानी से ये नफरत करते हैं, डरते हैं, फोबिया इन्हें, इसीलिए वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। रिलेटिवली बोला जा रहा है, ऑलवेज नहीं बोला जा रहा, मतलब थोड़ी बहुत पोलैरिटी है, थोड़ी बहुत स्लाइटली पोलैरिटी, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग पोलैरिटी नहीं है। नाउ दो तरीके के मैंने नाइट्रोजनस बेसिस मेंशन किए, प्यूरीन और पिरिमिडीन, जिसको मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। यहां तक इन्फॉर्मेशन क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो नाइट्रोजनस बेसिस कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के या तीन टाइप के? दो टाइप के। कौन कौन से? प्यूरीन और पिरिमिडीन। प्यूरीन और पिरिमिडीन हेट्रोसाइक्लिक है कि होमोसाइक्लिक है? हेट्रोसाइक्लिक है। पिरिमिडीन कितने एटम का रिंग है? 6 एटम का। 6 एटम का। काउंटिंग कहां से शुरू हो रही है, लोअर नाइट्रोजन से कि अपर नाइट्रोजन से? लोअर नाइट्रोजन। लोअर नाइट्रोजन से क्लॉकवाइज मैनर में कि एंटी क्लॉकवाइज मैनर में? क्लॉकवाइज मैनर। प्यूरीन में जो काउंटिंग शुरू हो रही है वो अपर नाइट्रोजन से हो रही है कि लोअर नाइट्रोजन से हो रही है? अपर नाइट्रोजन। क्लॉकवाइज मैनर में कि एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। नंबरिंग जो है वो बड़े रिंग की पहले हो रही है या छोटे रिंग की पहले हो रही है? बड़े रिंग। अगर आप पिरिमिडीन में देखें तो जो नाइट्रोजन का पोजीशन है वो कहाँ कहाँ पे है? तीन दो पोजीशन पे, नाइट्रोजन वन और नाइट्रोजन थ्री। मतलब वन और थ्री पे क्या है? नाइट्रोजन है। बाकी जगह पे क्या होगी? कार्बन होंगे। मुझे प्यूरीन में बताइए कि नाइट्रोजन की पोजीशन कहाँ कहाँ पे है? दिख रहा है ना? यस सर। बोलो भाई। बोलो भाई। यस सर। यस सर। यहाँ तक क्लियर इन्फॉर्मेशन? यस। सवाल इससे रिलेटेड एक और आ जाता है कि आखिर में ये जो नाइट्रोजन कार्बन आए तो आए कहाँ से? वैसे तो मेटाबॉलिज्म का टॉपिक जो है फ्यूचर में भी आएगा, लेकिन मेटाबॉलिज्म से पहले जो है मैं यहाँ पे बस आपको इन्फॉर्मेशन दे दे रहा हूँ कि कौन सा एटम कहाँ से आया हुआ है। क्वेश्चन इस पर भी आ जाता है कभी कभी, सो दैट्स व्हाई जो है ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दे रहा हूँ। इसमें है क्या कि वही नंबरिंग जरा सा ध्यान दीजिए। अब मुझे आप खुद बताइए कि मैं ये जो नाइट्रोजन मेंशन किया हूं ये वाला, क्या नंबरिंग दूं इसको? 1 3 3 3 नंबरिंग ये 3 होगी, यहां से 1 होगा, यस और नो? यस। क्योंकि ये स्ट्रक्चर प्यूरीन का है कि पिरिमिडीन का है? पिरिमिडीन। तो ये 1 है, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5, ये 6, फिर ये 7, ये 8 और ये 9। कितने लोगों को ये जो नंबरिंग क्लियर है? ठीक है, मुझे ये बताओ इसमें नंबरिंग इस वाले नाइट्रोजन को क्या दूंगा मैं? 1 1 1 1। कौन से कार्बन को जो है हम 2 देंगे, लेफ्ट वाले को कि राइट वाले को? लेफ्ट वाले को। 2 3 4 5 6। ठीक, ये स्ट्रक्चर पिरिमिडीन का है ना भाई? यस सर। और ये स्ट्रक्चर किसका? प्यूरीन का है। अब सवाल ये आता है कि ये जो एटम्स हैं अगर ध्यान दीजिए इसमें तो टोटल नाइट्रोजन कहाँ कहाँ पे थे? नाइट्रोजन था पहले पे, थर्ड पे, सेवेंथ पे और नाइन्थ पे। बाकी के रेस्ट जगह क्या होगा? कार्बन होगा। तो बचा क्या? दूसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, आठवां। इसमें 4 नाइट्रोजन, 5 कार्बन है। जबकि पिरिमिडीन की बात करें तो नाइट्रोजन यहाँ पे कहाँ कहाँ पे? 1 और थर्ड पे 2 नाइट्रोजन है और कार्बन कितने होंगे? 4। 2 4 5 6। ठीक, ये दिख रहा है आप सभी लोगों को। एक चीज हमेशा ध्यान रखे रहे कि क्या किसी भी जगह पे जो नाइट्रोजन अवेलेबल है, किसी भी नाइट्रोजनस बेस में प्यूरीन हो पिरिमिडीन, नाइट्रोजन का जो सोर्स होता है ड्यूरिंग द सिंथेसिस ऑफ नाइट्रोजनस बेस, सोर्स हमेशा क्या होगा? अमीनो एसिड होगा। क्या होगा जनाब? अमीनो एसिड। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट के पास कोई नाइट्रोजन नहीं होता, फैटी एसिड के पास कोई नाइट्रोजन नहीं होता,
नाइट्रोजन न्यूक्लियोटाइड में आया तो आया कहां से? अमीनो एसिड से आया। और अमीनो एसिड्स कौन कौन से हैं वो यहां पे ऑलरेडी मेंशन है। ध्यान रखे रहिए, चार के चार नाइट्रोजन, पहला नाइट्रोजन वन वाला, दूसरा नाइट्रोजन थ्री, तीसरा नाइट्रोजन सेवन, फोर्थ नाइट्रोजन नाइन, ये चारों जो है वो किससे आए? अमीनो एसिड से। पहला देखिए कौन से आया, एस्पार्टेट, जिसको एस्पार्टेट का सिंगल लेटर कोड डी। जो थर्ड और नाइन्थ है, थर्ड और नाइन्थ याद रखिए, एस्पार्टेट में भी, अच्छा अगर आपको एस्पार्टेट का स्ट्रक्चर याद हो तो एस्पार्टेट में जो अमीनो ग्रुप होता है वो साइड चेन में प्रेजेंट होता है कि अल्फा अमीनो ग्रुप होता है? अल्फा, यानी यहाँ पे जो नाइट्रोजन आ रहा होगा अल्फा अमीनो ग्रुप से आ रहा होगा या साइड चेन से आ रहा होगा? अल्फा से आ रहा होगा। सिमिलरली ये जो N7 है, नाइट्रोजन 7, ग्लाइसिन के किस अमीनो ग्रुप से आ रहा होगा? अल्फा अमीनो ग्रुप से या कोई और अमीनो ग्रुप है ग्लाइसिन के पास? अल्फा, अल्फा है। लेकिन जो ये थर्ड और जो नाइन्थ है, थर्ड और नाइन्थ जो है ये आते हैं ग्लूटामीन से। यहाँ पे तीन अमीनो एसिड है देखो, स्पार्टेट, ग्लाइसिन और ग्लूटामीन। ग्लूटामीन का कोड होता है क्यू, सिंगल लेटर कोड। और ग्लूटामीन के साइड ग्रुप में, क्योंकि ये अमाइड अमीनो एसिड है तो इसके साइड ग्रुप में होता है CONH2। तो यहाँ पे जो CONH2 है इससे आता है ये थर्ड और नाइन्थ, ये अल्फा अमीनो से नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ पे मेंशन है अमाइड नाइट्रोजन, अमाइड नाइट्रोजन का मतलब आर ग्रुप से आ रहा है, ना कि अल्फा अमीनो से आ रहा है। तो जो 1379 की आप बात करते हैं, वन आता है आपके स्पार्टेट से, अल्फा अमीनो से, सेवन आता है ग्लाइसिन से, अल्फा अमीनो से, लेकिन जो थर्ड है वो आता है ग्लूटामीन से, नाइन्थ आता है ग्लूटामीन से, जबकि ये आते हैं आर ग्रुप के अमाइड से। दिस इज द, कह सकते हैं कि प्रिकर्सर, या दिस इज द अमीनो एसिड जो इस नाइट्रोजन को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं 1379 वाले को। ठीक है, इसको एक सिंपल शब्दों में मैं एक निमोनिक के तौर पे बोलता हूँ, 713। याद रहे कि जो थर्ड वाला नाइट्रोजन होता है वही जो प्रिकर्सर होगा नाइन्थ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। तो ये कोड है 713, ग्रुप डिस्कशन क्वेश्चन, GDQ। ठीक है, ये निमोनिक्स मैं अक्सर यूज करता हूं, अगर आप चाहे तो कर सकते हैं, GDQ 713, ग्रुप डिस्कशन क्वेश्चन। व्हाट डज इट मीन, आपको समझ में आ गया होगा कि GDQ ग्रुप डिस्कशन क्वेश्चन निमोनिक्स भले ही है, लेकिन ग्लाइसिन आता है सेवन से, स्पार्टेट आता है वन वाला नाइट्रोजन, एंड जो ग्लूटामीन है वो थर्ड, और थर्ड वाला ही जो होगा वो नाइन्थ वाला भी होगा। तो बस बात खत्म, ये नाइट्रोजन क्लियर हो गया। अब आता है ऑक्सीजन, सॉरी कार्बन, कि कार्बन कहाँ कहाँ से है। तो जो फोर और फाइव कार्बन है वो नाइट्रोजन सेवन के साथ ही होते हैं, मतलब मैं हाईलाइट करके आपको दिखाऊं जरा सा। तो ये जो नाइट्रोजन है ये जिस अमीनो एसिड से आता है उसी से कार्बन फाइव और कार्बन फोर आते हैं, सेम अमीनो एसिड से, और वो किस अमीनो एसिड से आ रहा है, ग्लाइसिन से। तो ये जो फोर्थ और फिफ्थ वाले हैं ये ग्लाइसिन से आ रहे हैं, मतलब अमीनो एसिड से आ रहे हैं ये दोनों कार्बन। अब बचे तीन कार्बन, तो उसको बोला जाता है 26FB। ठीक है, तो फेसबुक 26 आप कर सकते हैं, कि आपने फेसबुक चलाना कब शुरू किया, या आप मुझे जो है अपना फ्रेंड कंसीडर कर सकते हैं या बेस्ट फ्रेंड कर सकते हैं, कुछ भी आप कहना चाहे। तो मैंने जो है छठवीं कक्षा में दो बेस्ट फ्रेंड बनाए, ठीक है, ये दो बेस्ट फ्रेंड बनाए। अब ये छठवीं कक्षा में दो बेस्ट फ्रेंड का क्या मतलब है, सीधी सी बात है, या आप बॉयफ्रेंड भी समझ सकते हैं, आजकल छह क्लास के बच्चे जो है बॉयफ्रेंड बना के घूम रहे हैं, ऐसा कोई ताज्जुब की बात नहीं है, है ना, वो बहुत मैच्योर है। ठीक है, आप छठवीं कक्षा में हमें नहीं पता होता था कि जूता जो है सीधे पैर में पहनना है या उल्टा, आजकल के बच्चे जिंदगी डिसाइड कर लेते हैं, और रील्स में तो इतनी खतरनाक वो एक्टिंग करते हैं कि मैं बता ही नहीं सकता। ठीक है, तो फिलहाल के तौर पे 6-2BF वाली कहानी। अब ये 6-2BF में जो छठवें नंबर का कार्बन है ये देखिए कहाँ से आ रहा है, दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड, या दूसरे शब्दों में इसको बाइकार्बोनेट भी बोला जा सकता है। तो ये आता है बी, बी का मतलब है बाइकार्बोनेट, HCO3- जो कार्बन डाइऑक्साइड से आता है। और टू, और टू और एट एक्चुअली में एक ही होते हैं, ये और ये दोनों फॉर्मेट से आ रहे हैं, फॉर्मिक एसिड से।
तो F का मतलब है फॉर्मिक एसिड या फॉर्मेट। कहानी क्लियर हो गई, ठीक है। तो 713 62 या 6 क्लास में आपने 28 फ्रेंड या बॉयफ्रेंड बनाए थे, ऐसे भी कर सकते, ठीक है, बाकी मर्जी है आप। अगर ये आपने दिमाग में रख लिया कि कहां से आया, एक बार फिर मैं बताऊं तो टोटल 4 नाइट्रोजन 5 कार्बन में से, जो कि नाइट्रोजन को अगर दिमाग में रखना तो ग्रुप डिस्कशन क्वेश्चन 713 रख लीजिए, ग्लाइसिन सातवें नाइट्रोजन को, स्पार्टेट पहले नाइट्रोजन को, और ग्लूटामिन तीसरे और नौवें वाले नाइट्रोजन को। याद रखिए ग्लाइसिन और स्पार्टेट का जो है अल्फा नाइट्रोजन जाता है, जबकि ग्लूटामेट का आर वाला नाइट्रोजन या अमाइड नाइट्रोजन जाता है। कार्बन में दो कार्बन जो होते हैं वो ग्लाइसिन से आते हैं, फोर्थ और फिफ्थ, तो बचे तीन कार्बन, 2, 6 और 8। तो छठवीं कक्षा में यानी 6th क्लास में 28 बॉयफ्रेंड बनाने वाले जो इंसान है वो यही क्वेश्चन पूछते हैं, ग्रुप डिस्कशन क्वेश्चन 713 वाला। तो अब इसमें जो है 628 यानी छठवें पे बाइकार्बोनेट और एफ पे जो है 2 और 8 आ जाए, दैट्स इट। ये इंफॉर्मेशन क्लियर हो गया, बोलो जनाब। यस सर। क्वेश्चन आते हैं इसके बाद, अगर पिरिमिडीन की बात करें तो पिरिमिडीन में भी इंफॉर्मेशन जो है वो आ सकता है। पिरिमिडीन का इंफॉर्मेशन और सिंपल है क्योंकि इसमें 9 एटम नहीं, इसमें सिर्फ 6 एटम है और 6 में से सिर्फ 2 ही नाइट्रोजन है। अब 2 नाइट्रोजन है तो कितने अमीनो एसिड की जरूरत पड़ेगी, 2 ही अमीनो एसिड की। आप यहां भूल जाइए, पहले मुझे बताइए कि 1 और 3 जो वहां पे था, कहां पे, इन द केस ऑफ प्यूरीन, वो कौन से 2 अमीनो एसिड बना रहे थे। देखो 1 कौन बना रहा था, एस्पार्टेट, और 3 कौन बना रहा था, ग्लूटामिन, ठीक है। तो एग्जैक्टली अब यहां पे देखो जरा सा कि जो पहला जो नाइट्रोजन है, तो फर्स्ट नाइट्रोजन जो है ये इंपॉर्टेंट यहां पे, अब ये किससे बन रहा है, स्पार्टेट से, और उसके बाद तीसरा नाइट्रोजन किससे है, ग्लूटामिन से। तो जो वहां पे है वही यहां पे भी है, ऐसा नहीं कि कुछ अलग आपने कर लिया। अगर आपको इसका कोड याद हो कि नहीं भैया पहला वाला जो स्पार्टेट था और तीसरा वाला जो है वो ग्लूटामिन से था, सेम वही चीज है, फर्स्ट थर्ड, ठीक है। तो फर्स्ट नाइट्रोजन फ्रॉम स्पार्टेट, थर्ड नाइट्रोजन फ्रॉम ग्लूटामिन, ठीक है। वही यहां पे भी स्पार्टेट का अल्फा अमीनो ग्रुप जाएगा, ग्लूटामिन का आर अमाइड ग्रुप। अब बचा कार्बन, अब इसमें एक कार्बन है, मतलब 4 कार्बन है, 4 में से एक चीज ध्यान रखिए, जैसे हमने यहां पे मेंशन किया था कि जो अमीनो एसिड नाइट्रोजन 7 कर रहा है वही 4 और 5 कर रहा है, कॉमन है, इसलिए सिमिलर यहीं पे भी वही हाल होगा। जो नाइट्रोजन 1 करता है, जो नाइट्रोजन 1 करता है वही जो है वो पूरा बैकबोन करेगा C4, फिर उसके बाद C5, फिर उसके बाद C6 और फिर N1। ये बैकबोन वही अमीनो एसिड जो है वो कंट्रीब्यूट करता है, और ये कौन सा अमीनो एसिड है भाई, स्पार्टेट, स्पार्टेट ही है, यानी C4 C5 C6 और N1 पूरा बैकबोन एक ही अमीनो एसिड लेके आ रहा है। सिर्फ कौन सा कार्बन बाहर से आता है, वो है C2, और C2 यहां पे कौन करता है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड या बाइकार्बोनेट। तो यहां पे ये जो है आप 1, 3, 2 मेंशन करके That is DQB जो है वो कर सकते हैं, ठीक। This is the code. 132 DQB को आप कुछ भी बोले, द क्वेश्चन बैंक बोलिए, ये डाटा क्वेश्चन बैंक, वॉट एवर निमोनिक्स आप तैयार कर सकते हैं, लेकिन 1 का मतलब ये इससे आ रहा है, और बाकी के जितने कार्बन है इसी स्पार्टेट से आने वाले हैं, 4, 5, 6। थर्ड वाला जो है ग्लूटामिन के आर अमाइड ग्रुप से, एंड सेकेंड का जो कार्बन है वो बाइकार्बोनेट से आ रहा है, दैट्स इट। ये है आपके नाइट्रोजनस बेस के सिंथेसिस की, जो अलग अलग एटम्स है वो कहाँ कहाँ से जो है वो आ रहे हैं, और ये इन्फॉर्मेशन दिमाग में होने चाहिए, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई अभी कूद के ये ना बोले कि सर ये भी आता है क्या, तो डेफिनेटली आता भी है और आ भी सकता है। तो दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि जो 2 नाइट्रोजनस बेसिस मैंने बताए, प्यूरिन और पिरिमिडीन, उसमें ये जो नाइट्रोजनस बेसिस है वो कहाँ से आए। तो चलिए शुरू करते हैं, आप मुझे बताइए कि पिरिमिडीन का पहला नाइट्रोजन कहाँ से आया है। दूसरा कार्बन बाइकार्बोनेट, तीसरा नाइट्रोजन ग्लूटामिन, और फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ कार्बन
समझ में आ रहा है ना? मुझे बताओ यहाँ पे पहला नाइट्रोजन यूरिन में एस्पार्टेट है, दूसरा कार्बन फॉर्मिक एसिड, तीसरा नाइट्रोजन ग्लूटामीन है, ग्लूटामेट नहीं है, ग्लूटामीन है, यहाँ भी ग्लूटामीन ही है, ठीक है, अगर गलती से मेरे से ग्लूटामेट निकल गया तो करेक्ट करना, यहाँ ग्लूटामीन ही होगा, ग्लूटामेट नहीं होगा। फोर्थ फिफ्थ कार्बन ग्लाइसीन और नाइट्रोजन सेवन ग्लाइसीन। सातवां कार्बन कहाँ से आया? बाइकार्बोनेट। आठवां कार्बन बाइकार्बोनेट फॉर्मेट से आया। और नौवां नाइट्रोजन फॉर्मेट ग्लूटामीन। ग्लूटामीन के अल्फा अमीनो या आर अमीनो से? आर अमाइड से। ठीक है, ये क्लियर है। चलो, तो नाइट्रोजनस बेस और उसके रिंग के बारे में आपने देखा कैसे बन रहा है और क्या सिंथेसिस। सवाल आता है कि फिर ये दो प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स कौन कौन से टाइप से? तो सबसे पहले बात करते हैं प्यूरिन्स के बारे में। तो देयर इज अ टू प्यूरिन बेसिस। तो प्यूरिन जो होते हैं वो डीएनए में भी हो सकते हैं और आरएनए में भी, दोनों में प्यूरिन जो है वो कॉमन होता है, प्यूरिन में कोई पार्शियलिटी नहीं है। प्यूरिन एडिनिन भी हो सकता है और गुआनिन भी हो सकता है। जिसको रिंग स्ट्रक्चर पता है उसके लिए बाकी चीजें एकदम आसान है। और सिर्फ एडिनिन और गुआनिन ही प्यूरिन नहीं होते, इसके अलावा कुछ और प्रिकर्सर होते प्यूरिन के, जैसे आपने कभी सुना होगा और नहीं भी सुना है तो सुनेंगे, हाइपोजैंथीन, और इसके अलावा होता है जैंथीन। ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि इंटरमीडिएट्स होते हैं, जब इनका सिंथेसिस होता है तब प्यूरिन का मेटाबॉलिज्म होता है। तो ये जो एडिनिन होता है इसका अगर नाम देखो तो ये क्या लिखा गया है, सिक्स अमीनो प्यूरिन, मतलब छठवें पोजीशन पे अमीनो ग्रुप जुड़ा हुआ है। सिक्स अमीनो प्यूरिन इज योर एडिनिन। कार्बन नंबर सिक्स पे, जो कि कार्बन नंबर सिक्स आया कहां से है एक बार फिर से मुझे बताओ, कहां से आया है ये? बाइकार्बोनेट से। उसी बाइकार्बोनेट पे क्या जुड़ जाता है, अमीनो ग्रुप, तो क्या कहलाएगा, एडिनिन। जरा सा देखिए, ये पूरा प्यूरिन का स्ट्रक्चर ही था, इसमें कुछ छठवें पोजीशन पे क्या जोड़ दिया आपने, अमीनो ग्रुप। सिर्फ छठवें पोजीशन पे एक अमीनो ग्रुप अगर जुड़ गया, सिर्फ सिक्स पोजीशन पे एक अमीनो ग्रुप अगर जुड़ गया तो यही कहलाता है एडिनिन। क्या कहलाता है, एडिनिन। सिक्स अमीनो प्यूरिन को ही एडिनिन बोलते हैं। दूसरा, अब गुआनिन की बात करें तो गुआनिन पे छठवें पोजीशन पे ऑक्सी हो जाएगा, ऑक्सी ऑक्सी, और दूसरे पोजीशन पे अमीनो। ऑक्सी का मतलब होता है कीटो ग्रुप, कीटोन ग्रुप। तो जरा गुआनिन के स्ट्रक्चर को देखिए, देखिए छठवें पोजीशन पे क्या हुआ है, ऑक्सी हुआ है, और दूसरे पोजीशन पे क्या हुआ है, अमीनो। तो अगर छठवें पे ऑक्सी दूसरे पे अमीनो हो जाए तो दिस स्ट्रक्चर इज कंसिडर्ड एज गुआनिन। When the sixth position, जब छठवें पोजिशन पे जो है क्या हो जा रहा है, छठवें पोजिशन पे ऑक्सी और दूसरे पोजिशन पे अमीनो, तो यह है गुआनिन। अगर सिर्फ छठवें पोजिशन पे ऑक्सी हो जाए, अगर छठवें पोजिशन पे ऑक्सी हो जाए तो सिक्स ऑक्सी प्यूरिन हो जाए, मतलब प्यूरिन रिंग पे छठवें पोजिशन पे अगर ऑक्सी है तो उसी को बोलते हैं हाइपोजैंथीन, और अगर छठवें पोजीशन पे अमीनो है तो उसी को बोलते हैं एडिनिन। और आपको समझ में आ रहा होगा कि हाइपोजैंथीन ही एडिनिन को बनाएगा, क्योंकि अगर इस ऑक्सी की जगह हमने इस अमीनो को रख दिया, अमीनो ग्रुप को जोड़ दिया, तो वो एडिनिन। अगर दूसरे पोजीशन पे भी और छठवें पोजीशन पे भी दोनों पे ऑक्सी है, 2,6 डाई ऑक्सी है, प्यूरिन है, तो इसी को बोलते हैं जैंथीन। और जैंथीन में दूसरे पोजीशन पे अगर अमीनो ग्रुप को जोड़ दिया जाए, छठवें पे ऑक्सी को रहने दिया जाए, तो वही गुआनिन है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग से है ये सारे प्यूरिन, और प्यूरिन का आर्किटेक्चर आप कुछ इस तरीके से देखते हैं, जिसमें एक बार नंबरिंग में बता चुका हूं कि यहां से शुरू होकर
अपर वाले नाइट्रोजन से शुरू होता है और कुछ इस मैनर में चलता है। सारी कहानी छठवें और दूसरे पोजीशन की, अगर छठवें पे ऑक्सी हुआ तो हाइपोजेंथिन, छठवें पे अमीनो हुआ तो एडिनिन, अगर दूसरे पे ऑक्सी, छठवें पे भी ऑक्सी हुआ तो जैंथीन, और दूसरे पे अगर अमीनो और अगर छठवें पे ऑक्सी हुआ तो गुआनिन। ये कहानी है सिंपल, 6 या 26 वाली कहानी। समझ में आ गई बात? बोलिए जनाब, आसान है कि डिफिकल्ट है? ओके, सब कोई बोली नहीं रहा कि आसान है, सब जो है टेंशन में बैठे हुए कि भाई पढ़ लेते जो है किडनी टूटने दे। देखो मैं किडनी तोड़ना जो है वो छोड़ चुका हूँ, तो आप टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग आराम से बिना डरे जो है क्लास में बैठ सकते हैं और इन्जॉयमेंट के साथ जो है थोड़े बहुत आप पढ़ाई कर सकते हैं। उसी तरीके से पिरिमिडीन बेसिस की बात करें तो पिरिमिडीन बेसिस में भी वही एक प्यूरिन स्ट्रक्चर होगा, एक पिरिमिडीन रिंग होगा, उस पर कुछ ग्रुप जुड़ेंगे। डीएनए में जो पिरिमिडीन पाए जाते हैं वो है साइटोसिन और थाइमीन, लेकिन आरएनए में जो पिरिमिडीन पाए जाते हैं वो है यूरासिल और साइटोसिन। थाइमीन का प्रेजेंस आरएनए में बहुत कम होता है और यूरासिल का प्रेजेंस डीएनए में बहुत कम होता है। अब थाइमीन में जो है वो 2,4-dioxy-5-methyl होता है, साइटोसिन में जो होता है वो आपके कार्बोनिल ग्रुप्स होते हैं 2 और 4। जरा ध्यान दीजिए दोनों स्ट्रक्चर्स और उसके बाद यूरासिल के बारे में बात करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? तो यह है पिरिमिडीन का स्ट्रक्चर। अब इस पिरिमिडीन को देखा जाए तो ये 6 एटम का रिंग है जिसमें नाइट्रोजन की नंबरिंग या पूरे रिंग की नंबरिंग बॉटम नाइट्रोजन से होता है और ये जो है वो एंटी क्लॉकवाइज फैशन में काम कर रहा होता है लाइक दिस, ठीक है? नंबरिंग ऐसे चल रही है। अब इसमें जो कहानी होती है अगेन 2-6 पे नहीं होती, 2-4-5 पे कहानी होती है। किस किस एटम पे है? 2 पे 4 पे और 5, ठीक है? अब अगर 2 पे 4 पे 5 पे कुछ ना हो तो ये सीधा क्या कहलाएगा? पिरिमिडीन स्ट्रक्चर, पिरिमिडीन रिंग कहलाएगा। लेकिन अगर दूसरे पे ऑक्सी हो जाए, ठीक है, दूसरे पे ऑक्सी है और उसके बाद दैट 4 पे भी ऑक्सी है 5 पे कुछ नहीं है, तो यही होता है साइटोसिन। अगर 2 पे भी ऑक्सी है 4 पे भी ऑक्सी है और 5th की जब हम बात करते हैं तो वो हो जाता है दैट इज, ये आपका हो जाएगा दैट इज मिथाइल ग्रुप 5th पे, तो थाइमिन हो जाएगा। यस, 2-oxy-4-amino, साइटोसिन में 4th पे अमीनो होगा। यस, मैं वही सोच रहा हूँ, इसमें थोड़ी सी जो है मिस्टेक हो रखी है। साइटोसिन में डाइऑक्सी नहीं होता, वो यूरासिल में होता है। तो 2 पे ऑक्सी 4 पे अमीनो हो और 5th पे कुछ नहीं तो साइटोसिन, 2 पे ऑक्सी 4 पे ऑक्सी और 5th पे मिथाइल ग्रुप हो तो थाइमीन, और 2 पे ऑक्सी 4 पे ऑक्सी लेकिन 5th पे कुछ ना हो तो यूरासिल। यही कहानी है पूरी। अब देखो यहाँ पे 2-4-5 ये तीन स्ट्रक्चर ही जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट है। दूसरे पे ऑक्सी सभी में, अगर ध्यान दोगे तो सेकंड पे ऑक्सी तो होना ही होना है। पोजीशन जो डिफरेंस हो रहा है वो डिफरेंस हो रहा है या तो 4th पे या तो 5th पे। अगर 4th पे ऑक्सी है तो या तो थाइमिन हो सकता है या तो यूरासिल हो सकता है। अब वो इस बात पे निर्भर करता है कि 5th पे मिथाइल है कि नहीं है, और अगर 4th पे अमीनो है तो वो साइटोसिन लाइक दिस वन। देखिए सेकंड पे ऑक्सी सभी पे है, जो डिफरेंस है वो है आपके 4th, तो अगर 4th पे अमीनो है तो ये है साइटोसिन, ठीक। उसके बाद अगर 4th पे ऑक्सी है 2 के साथ साथ, सिर्फ 4th पे ऑक्सी है, 5th पे कुछ नहीं है तो वो है यूरासिल, और अगर 4th पे ऑक्सी तो है ही है, साथ में 5th पे मिथाइल ग्रुप भी है, तो ये हो जाता है आपका थाइमीन। और ये थाइमीन का जो मोस्टली प्रेजेंस होता है वो डीएनए में आप शो करते हैं, मोस्टली नॉट ऑलवेज, मोस्टली थाइमीन जो है वो डीएनए में होता है, और जो यूरासिल का मोस्टली प्रेजेंट शो करते हैं वो आरएनए में शो करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि डीएनए में यूरासिल नहीं हो सकता। अगर थाइमीन में से हम मिथाइल ग्रुप को हटा दें तो वो यूरासिल में कन्वर्ट हो जाएगा डीमिथाइलेशन करके, और ऐसे या तो आप जो है 5-methyl-cytosine को डीएमिनेट कर दीजिए तो भी जो है वो थाइमीन में कन्वर्ट हो जाएगा या यूरासिल।
तो ये जो प्रोसेस होते हैं डीएमिनेशन ट्रांसएमिनेशन ये सब हम देखेंगे फ्यूचर में, लेकिन ये ध्यान रहे हमेशा कि मोस्ट की बात हो रही है, यूरासिल आरएनए में प्रेजेंट होते हैं मोस्टली, लेकिन थायमिन हो सकते हैं एबनॉर्मल कंडीशन में, वैसे ही डीएनए में थायमिन प्रेजेंट होते हैं मोस्टली लेकिन यूरासिल हो सकता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ कि यूरासिल फाउंड इन आरएनए नॉट यूजुअली इन डीएनए, नॉट यूजुअली का मतलब यह है कि बट मे बी प्रेजेंट, हो सकता है, जनरली नहीं होता लेकिन हो सकता है। तो यह है पिरिमिडीन की कहानी। तो प्यूरीन नाइट्रोजनस बेसिस में दो तरीके की चीजें बताई मैंने, प्यूरीन और पिरिमिडीन। प्यूरीन का जो है मैंने बताया कि कहां कहां से कौन सा रिंग आता है, उसके बाद प्यूरीन के जो है दो टाइप्स बताए, एडेनिन और गुआनिन, इसके अलावा कुछ अनकॉमन टाइप्स हाइपोजेंथिन और जेंथिन के बारे में देखा। उसके बाद पिरिमिडीन के तीन टाइप्स देखे आपने, साइटोसिन यूरासिल और थायमिन। साइटोसिन के फोर्थ पे अमीनो, सेकंड पे तो सभी में ऑक्सी है, सेकंड ऑक्सी फोर अमीनो, सेकंड ऑक्सी फोर ऑक्सी यूरासिल, सेकंड ऑक्सी फोर ऑक्सी यूरासिल के बाद फिफ्थ पे मिथाइल है तो वो थायमिन हो जाएगा। ये कहानी है पिरिमिडीन। तो यहां तक तो फिर कहानी नाइट्रोजनस बेसिस की। अब इन पूरी कहानी में अगर तीनों प्रोसेस को देखोगे तो आपको लगभग लगभग समझ में आएगा। पहली दो तीन कहानी तो मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुका था कि जब आप यहाँ पे देख रहे थे हियर, तो ये जो है वो कैसे नेचर के थे, वो हाइड्रोफोबिक नेचर के थे, इसीलिए जब भी एक नाइट्रोजनस बेस दूसरे नाइट्रोजनस बेस के ऊपर ओवरलैप करेगा, इसको तह जैसा समझ सकते हैं कि एक नाइट्रोजनस बेस अगर ऐसे है ठीक है, और अगर इसी नाइट्रोजनस बेस के ऊपर दूसरा नाइट्रोजनस बेस कुछ इस तरीके से जो है वो जैसे एस तरीके से आएगा स्टैक कर गया, तो इनके बीच में जो है क्योंकि दोनों का मोस्टली नेचर हाइड्रोफोबिक है, तो ये जो स्टैकिंग के बाद इंट्रैक्शन होगा इसी इंट्रैक्शन को आप हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन बोलते हैं, और यही हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन ही स्टैकिंग इंट्रैक्शन भी कहलाता है, जो कि जब हम डीएनए को पढ़ेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। साथ में बिकॉज एज यू नो दैट इनके पास पाई इलेक्ट्रॉन रीलोकलाइजेशन है, इनके पास है पाई इलेक्ट्रॉन रीलोकलाइजेशन, बिकॉज ऑफ दिस ये एब्जॉर्बेंस भी शो कर सकते हैं, और एब्जॉर्बेंस की तुलना में जब भी आप देखोगे तो प्यूरीन का एब्जॉर्बेंस पिरिमिडीन की तुलना में ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि प्यूरीन जो है वो दो साइकिल का बना या दो रिंग का बना हुआ स्ट्रक्चर है, जबकि पिरिमिडीन सिर्फ एक रिंग का बना हुआ, और इसके बाद प्लेनर तो है ही है, नाइट्रोजनस बेसिस जो होते हैं वो हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल, पाई इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्बेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब तीसरा जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करें तो बहुत आसान है, जब आप प्यूरीमिडीन और प्यूरीन के स्ट्रक्चर्स में देखते हैं तो देखिए ये जो NH2 ग्रुप है, यही NH2 ग्रुप अमीनो एसिड में होता था तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता था, और किससे बनाता था? CO ग्रुप से, वो भी यहाँ प्रेजेंट है, तो यहाँ पे CO भी प्रेजेंट है और NH2 भी प्रेजेंट है, तो जब अगर CO ग्रुप भी आपको प्रेजेंट मिले, NH2 ग्रुप भी प्रेजेंट मिले, तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनना पॉसिबल है, और इसीलिए ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो भी बनाते हैं। ये तीन पॉसिबल फंक्शंस जो मैंने नाइट्रोजनस बेस के बताए वो सभी यही से रिलेटेड है, पहला बेस स्टैकिंग कुछ इस तरीके से तह वाला, दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड, और तीसरा इनके बीच में जो पाई इलेक्ट्रॉन है उसकी वजह से एब्जॉर्प्शन। तो ये है नाइट्रोजनस बेस की कहानी जो हमने अभी तक देखी।